आपको जानकारी तो है, बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है अजमेर शहर का कि भूमाफिया इस तरीके से जहाँ भी बेशकीमती जमीन देखते हैं अपनी दादागिरी दिखाते हैं। आज ऐसे ही एक बेशा समाज के परिवार के साथ मारपीट की गई, उनकी जमीन पर जाकर उनके साथ अत्याचार किया गया, उसकी आवाज़ उठाने के लिए अजमेर शहर का पूर्ण वेश्या समाज एकजुट होकर एक मंच पर आ गया है। भूमाफियाओं की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वेश्या समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी समस्त प्रशासन की होगी। गौरव जैन। मेरी जमीन है ग्राम चौरसी आवास में, 1 बीघा 12 बिस्वा 1500 खसरा 1556 खसरा नंबर और 4.5 बिस्वा कुआ जिसका रकबा 4.5 बिस्वा उसका आनुपातिक भाग मेरे पिताजी ने 1973 में खरीदी थी। मेरी जमीन पर 3 दिन पहले ये नगर निगम की जयन कामना और जो है वीरेंद्र वालिया और उसका बेटा पुनीत वालिया अमित वालिया ये लोग 15-20 लोगों को इकट्ठा करके लेके आए और इन लोगों ने हमसे हमारी बाउंड्री वाल जो 6 फुट ऊंची थी और 60-70 फुट लंबी दीवार को उन्होंने तोड़ दिया जो इससे और उनको मना किया तो इन्होंने हमसे मारपीट की, हमारे कागजात छीने और हमें धमकी दी कि या तो ज़मीन हमें बेच दो या 50 लाख रुपए दो तो इस ज़मीन का उपयोग उपभोग सुख से कर सकोगे। कामना मैडम ने कहा कि आप इनकी बात मान लो और जैसा ये कहे वैसा कर लो। मैंने मना किया तो हमारे साथ मारपीट की और हमें धमकी दी, ऐलानिया धमकी दी कि आपके साथ भी जैसे रूपनगढ़ हत्याकांड हुआ वैसा ही कुछ कर देंगे हम, और मैं अगर गलत हूँ तो मुझे नोटिस देते, मैं अगर गलत हूँ तो मेरी ज़मीन और जो पास में नाले की ज़मीन है जो चौरसी आवास से आ रहा है और आना सागर कैचमेंट एरिया में मिलता है और थोक तेलियान का 357 नाले में मिलता है, उन दोनों नालों की ज़मीन को नपवा लिया जाए और मेरी ज़मीन को नपवा लिया जाए और उसके क्षेत्रफल की गणना करवा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ज़मीन में कितने मकान बनवाए हैं ये इन भूमाफियाओं ने, सारी ज़मीन को बेच के आज अरबपति करोड़पति बन गया है। मैं सरकार से चाहता हूँ कि ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालिया और इसके गिरोह के घरों पे छापे मारे तो इनके पास अवैध अकूत संपत्ति मिलेगी अरबों खरबों की। हमने मुकदमा दर्ज कराया, कल हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, शिकायत मैंने परसों भी दी थी, आज एसपी साहब से मिलने आए हम।
साहब ने बोला कि डिप्टी साहब को जांच दे दी गई है और वो आज बाहर हैं, कल आएंगे तब वो परसों से जांच शुरू करेंगे और जो निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो करेंगे और जो हमारे खिलाफ़ झूठा मुकदमा लिया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिनेश खंडेलवाल। आपको जानकारी तो है, बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है अजमेर शहर का कि भूमाफिया इस तरीके से जहाँ भी बेशकीमती ज़मीन देखते हैं अपनी दादागिरी दिखाते हैं, आज ऐसे ही एक बेशे समाज के परिवार के साथ मारपीट की गई, उनकी ज़मीन पर जाकर उनके साथ अत्याचार किया गया, उसकी आवाज़ उठाने के लिए अजमेर शहर का पूर्ण बेशे समाज एकजुट होकर एक मंच पर आ गया है। भूमाफियाओं की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, प्रशासन को चेतावनी दे दी है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बेशे समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी समस्त प्रशासन की होगी। गौरव जैन।